wait for people to join in. Okay. Yeah. This is the most awkward part about our mirchi live. हाँ, तुम live तो आ गए, उसके बाद तुम्हारे को पता नहीं कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हें सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, और इनिशियली थोड़ी सी देर लगती है. सो बेसिकली पीपल हैव स्टार्टेड जॉइनिंग नाउ. देखो आते सार रिक्वेस्ट भी आ गए टू बी इन आवर लाइव. गाइस हम ऑलरेडी चार लोग हैं, हम और किसको अपनी लाइव में लाएं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. आई एम सो सॉरी. एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई हैव विद मी डिटेक्टिव नमन एंड आई हैव विद मी डिटेक्टिव निधि एंड द डॉटर. गाइस से हाय टू मिर्ची प्लस की एक बहुत बड़ी ऑडियंस. हाय. तो आज की लाइव का बेसिकली मोटिव ये है कि हम लोगों को पता होता है कि डॉक्टर्स कैसे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स कैसे इंजीनियर बनते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता, बट वी नेवर एवर गेट टू नो कि एक डिटेक्टिव जो होता है उसकी लाइफ में क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डिटेक्टिव, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड बेसिकली कुछ नहीं पता हमारे को. ठीक है. एंड इसी के लिए ही आई हैव गॉट विद मी डिटेक्टिव नमन एंड डिटेक्टिव निधि फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. एंड यू गाइज आर गोइंग टू टेल पूरी की पूरी हमारी मिर्ची की ऑडियंस को कि भाई क्या क्या सिचुएशंस होती है. थोड़ी बहुत स्टोरीज भी आप अपनी बता देना, इंटरेस्टिंग सी. इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे कैन हियर ऑन द शो. तो मेरे शो पे जिन लोगों को नहीं पता, एजेंट 983 इज गोइंग ऑन एंड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतनी ज्यादा अमेजिंग स्टोरीज आ रही है. लेट मी टेल यू, सारी की सारी स्टोरीज ट्रू है. एंड एथिक्स अपने माइंड में रखते हुए हमने नाम चेंज करे है, लोकेशन चेंज करी है, बट द स्टोरीज आर ट्रू. सो यू हैव टू लिसन टू दैट ऑल्सो. नाउ द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपसे पूछनी है, ठीक है, आप मेरे को पहले ये बताओ कि हाउ डिड यू चूज दिस पाथ, बिकॉज एक डिटेक्टिव मतलब तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि अगर तुम्हारे को घर वाले पूछते बच्चे तुम्हारे को बड़े होके क्या बनना है, हा? तो कोई बोलता है मेरे को टीचर बनना है, कोई बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है. ऐसे बहुत रेयर होता है जब कोई बोलता है डिटेक्टिव बनना है, क्योंकि इतना रेयर है इन अ जनरल वे ओनली. अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने कब सोचा कि हाँ यार आई विल बी गुड एज अ डिटेक्टिव, मैं बहुत अच्छा करूंगा. एंड As soon as I passed out my graduation, I was very interested in a thrilling job. Okay. Right. So, I was very adventurous as far as I was when I was in college, when I was in school. You know, I used to, you know, participate in various adventure sports and, you know, used to live a lavish life and all that. So, you know, since, you know, I thought that detective, being a detective is going to be thrilling. It has got a kind of thrill in it. You know, every case is a job satisfaction itself, as I said. So, I thought of becoming a detective because, you know, when I used to watch movies, I used to read so many detective novels. Yeah. I thought ki this is a place where I really belong to. Yeah, of course. And then I went to London. I did my private investigator's course from there. I came back to India. Then I started, you know, being a detective. And now it has been 23 years that we are into this. My God. Amazing. Achha, aise tha kya ke aapke parents ne ya kisi ne aapko mana kiya ho? Because I'm sure अगर आप एक डिटेक्टिव होते हो तो काफी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. तो ऐसा था क्या कि पेरेंट्स ने मना किया कि उन्होंने बोला जा मेरे बच्चे जी ले अपनी जिंदगी बन जा डिटेक्टिव? नहीं, जब व्हेन आई बिकेम अ डिटेक्टिव देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स. वो सोचते पता नहीं क्या करता रहता है, नई नई चीजें ट्राई करता रहता है. कोई हमारी फैमिली में, हमारे खानदान में ऐसा डिटेक्टिव नहीं बना है. ठीक है, लॉयर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, बट व्हाई अ डिटेक्टिव? बट फिर देन व्हेन आई वाज पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था. और अब जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं थैंक्स फॉर द मर्सिडीज. अमेजिंग, वाओ, क्या टेबल्स टर्न हो जाते हैं वैसे, है ना. अच्छा, आप सब भी, मैं आपको बताऊं, इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको पूछना है ना, यू गाइस आल्सो प्लीज कीप आस्किंग ओवर हियर ओनली. आप अपने क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क अ डिटेक्टिव. ये मौका बार बार नहीं आता. ओके. या अच्छा, मेरे को आपसे एक और चीज पूछनी थी कि जैसे ऐसे होता है ना कि लोग बोलते हैं कि डिटेक्टिव जो होता है वो टोप मतलब इमेजिन करते हैं तुम्हारे सर पे टोपी है, तुम्हारे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास है, तुमने अच्छा खासा लॉन्ग कोट पहना हुआ है और तुम जा रहे हो अपना केस सॉल्व करने. इज दैट ट्रू? क्योंकि अभी तो आप मेरे को डिटेक्टिव नहीं लग रहे. I tell you, the best investigator is the one who doesn't look like one. Oh wow! जो लोग लोगों में मर्ज हो जाते हैं वो best detectives होते हैं. जो टोपी लगा के आएंगे, overcoat पहन के, अगर हाथ में magnifying glass लेके आएंगे, आप उनको अपने घर में एंट्री भी नहीं दोगे.
लाइक यू नो वी हैव टू मर्ज अमंगस्ट पीपल एंड सिंस वी हैव टू मर्ज अमंगस्ट पीपल वी हैव टू बी एज कैजुअल एज पॉसिबल. और वो जो ओवरकोट है, हैट्स हैं, ठीक है, वो डिटेक्टिव्स दिल्ली की गर्मी में तो वैसे ही मर जाएंगे, जॉब कहाँ से कर पाएंगे. ऑफ कोर्स यार, ये तो राइट दिमाग में. हाँ, ये शर्लक होम्स जो है ना, ये सिर्फ लंदन में चलता है, बिकॉज वहां पर टेम्परेचर ठंडा होता है, इसलिए वो हैट लगाते थे. वहां पे सभी लोग ओवरकोट पहनते हैं, तो सभी लोग ओवरकोट पहनते थे. मेरे माइंड में शर्लॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी और साथ में नैन्सी ड्रू की स्टोरीज, ये सारी चीजें ही आ रही थी. अच्छा, नाउ आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, कि आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू हैव फेस्ड अ वेरी रिस्की सिचुएशन, के मतलब बिकॉज यू आर अ डिटेक्टिव, आप इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे हो और करते करते आप मे बी ऐसी सिचुएशन में हो जो बड़ी डेंजरस है. मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड, मेनी टाइम्स, और कई बार ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में फंस गए हैं जहां से अब हम सोचते हैं तो हम यू नो वी थैंक गॉड, वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि हम बच के निकल गए वहां से. वो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन थी जहां से ऐसा लगता था कि यहां से देयर इज यू नो आउट, अब नहीं बच सकते. बट यू नो वी वर जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड की उस टाइम प्रेजेंस ऑफ ब्रेन ने काम किया एंड यू नो जस्ट थिंग्स हैज टर्न्ड अराउंड एंड वी गॉट आउट ऑफ इट. ओह गॉड, सीरियसली. तो इफ देयर इज वन सच सिचुएशन जो आपको बतानी हो, मतलब सुनानी हो, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सुनाओ ना, हमारे पास बड़ा टाइम है. ओके, देयर वॉज अ केस वंस दैट वी वर डूइंग, और ये जो केस था इट वॉज अ ब्लैकमेल केस. ओके, जिसमें वन ऑफ द क्लाइंट्स वॉज बींग ब्लैकमेल. ओके, एंड वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कैन यू हैंडल द केस. हमने बोला ब्लैकमेलिंग के तो हम बहुत सारे केस हैंडल करते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ब्लैकमेलिंग इज आवर एक्सपर्टीज बेसिकली. तो ही सेड कि लेकिन ये जो ब्लैकमेल है ना, ये किसी रूरल एरिया का ब्लैकमेल है. आपने कभी रूरल एरिया में कुछ ऐसा काम किया है? तो हमने बोला कि नहीं किया है, बट डायनेमिक्स हर जगह सेम रहते हैं, ठीक है. तो हमें नहीं पता था कि कितना सेंसिटिव एरिया होगा, वो क्या होगा. दिस पर्सन यूज टू हैव सम काइंड ऑफ सेटअप इन अ वेरी रिमोट विलेज ऑफ द कंट्री. वहां पे जो पर्सन थे, जो उनका एम्प्लॉइज, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते थे, यूनियन लीडर था उनका एक. यूनियन लीडर जो था उसको उन्होंने निकाल दिया था जॉब से. अच्छा, ठीक है. और वो जो यूनियन लीडर था वो एक लॉयर भी था. अच्छा, ओके. हाँ, एंड देन वो जिल्टेड था काफी. ओके, काफी जो है. अच्छा, वो वहां पे जो है लोकल किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी था. अच्छा, ओके. तो देन Now what he did was कि उसने जब वो जिल्टेड था, उसने somehow उसकी वाइफ ने हमारे क्लाइंट से कॉन्टेक्ट करना शुरू किया. अच्छा, ओ, ओके. yeah. और उसने जो कॉन्टेक्ट करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी वाइफ जो उसे क्लोज आ गई क्लाइंट के, एंड देन बातों बातों में, एंड देन शी वेंट टू हिज होटल, मेट हिम. और साथ साथ वो ये भी बोलती रही कि मैं अपने पति से सेपरेटेड हूँ, हमारा और सब कोई रिलेशनशिप नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, राइट. बट ये जो पर्सन था उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करता था कि उनको बोलता था कि तुम्हारे मेरे वाइफ का अफेयर है, मुझे पता चल गया सीकरेटली, मैं सबको बता दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा. मैंने अपने वाइफ का फोन हैक किया हुआ है, मेरे पास सारी चैट्स हैं, सारे वीडियोस हैं तुम दोनों के आपस में शेयर किए हुए. तो वो जो बॉदर्ड था काफी, ही हैड ऑलरेडी पेड अराउंड 1 crore ऑफ रुपीज टू हिम, और वो ब्लैकमेल स्टॉप नहीं हो रहा था किसी भी तरीके से. एंड देन वो जब हमारे पास आए, हमने जब उसमें काम करना शुरू किया उस केस में, इनिशियली ही आज हमने उनको काफी कंफर्ट दिया. हमें पता था कि हम इस केस को हैंडल कर सकते हैं बिकॉज हमने पहले बहुत सारे ब्लैकमेलिंग केस हैंडल किए थे. नाउ अब हमने क्या किया, हमने उस पर्सन के ऊपर रिसर्च शुरू करी. जब हमने रिसर्च शुरू करी तो वी केम टू नो कि ये जो पर्सन है इसके बारे में सारा, कि लोकल लीडर है वहां का, बहुत सारे जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, ये जो हमेशा अलाइट रहते हैं, ये घूमता फिरता रहता है. लेकिन हमने जो खास चीज ऑब्जर्व करी, वो ये देखा कि इसके और इसकी वाइफ के तो नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है. तो देवर इसका मतलब ये था कि हमें सबसे पहले तो हमें ये चीज पता चलेगी दे आर बोथ कनाइव्ड विद ईच अदर. तो इसमें हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली प्रूव हुआ कि द वाइफ इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्लैकमेल. तो उसके बाद अब जब हमें बात क्लियर हो गई तो हमें उसके लूप होल्स ढूंढने थे कि हमें कुछ इसका लूप होल मिल जाए जिसकी वजह से हम उसको दबा सकें. अब वो इतना रूरल एरिया था कि वहां पे मोबाइल फोन से सिग्नल्स भी नहीं आते थे. अरे अच्छा, राइट. और यू नो वहां पे जो है इतनी ज्यादा उसकी प्रेजेंस, नोन प्रेजेंस थी कि वहां पे काम करना ही बड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज सब उसको जानते थे. अगर कोई भी
बाहर के लोग अननोन लोग जाके उस विलेज में काम करते थे तो दे वर इजीली आइडेंटिफाइड कि यहाँ पर जो है कोई बाहर का आदमी आगे खड़ा हुआ है. अच्छा ओ हाँ तो उसके लिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर पाना वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट था. लेकिन फिर भी हमने डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स उस जगह में उस जगह के लोग बन के उनके जैसे कपड़े पहन के और उनके जैसे रह के वहां पे काफी लंबे टाइम तक हमारे लोग रुके वहीं पर रेंट पे लेके घर और उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशंस करी उस फैमिली की पूरी इन्वेस्टिगेशंस करी हमने उनके कुछ लूप होल्स निकाले जो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ. ठीक है तो फिर लूप होल्स के थ्रू हमने सोचा कि हम उनको जो है हम उनको सप्रेस कर सकते हैं. अच्छा बट एंड देन हमने क्या किया कि जो वहां के लोकल वहां के जो लोकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनसे मैं पर्सनली जाके मिला एंड मी एंड निधि बोथ वेंट टुगेदर. निधि या निधि शी इज अनदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शी इज अनदर डिटेक्टिव अ लेडी डिटेक्टिव ऑफ द टाउन. यस यस या सो उनसे जाके मैं पर्सनली मिला एंड उन्होंने मुझे वहां के जो लोकल थाना इंचार्ज है उनकी तरफ डायरेक्ट कर दिया हमारी कंप्लेंट के बेस पे और साइन करके टू टेक एन इमीडिएट एक्शन. ओके अब हम थाने में पहुंच गए. अब ये था कि लोग क्या होता है कि पुलिस उनके घर जाती है तो हंगामा मचाता है खासतौर से छोटे विलेजेस में बड़ा हंगामा मचाता है. बिल्कुल हाँ. ठीक है तो हमने क्या किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारी पूरी टीम थी वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव था कि उसको चुपचाप उसको घर से ले आए पुलिस के. तो अब जब हमारे लोग उसको वो हमारी टीम सुबह से उसे घर के बाहर वॉच कर रही थी तो ही वॉज नॉट एट होम. उस दिन किसी लोकल पार्टी की कोई वहां पर रैली चल रही थी तो ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दैट रैली. लेकिन जब हमारी टीम यहां से उसे घर दूसरी टीम जब पुलिस के साथ उसको लेने जा रही थी. अच्छा पुलिस स्टेशन भी ऐसा पुलिस स्टेशन था जहां पे मुश्किल से 3 पुलिस वाले थे. अच्छा ओ राइट सो द स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ दैट पुलिस थाना वाज वेरी वेरी लेस. ठीक है तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहां पे. और वहां की जो पुलिस थी वो वहां के जो लोकल लोग थे जो लोकल गूंस थे उनसे खुद डरती थी क्योंकि वो कभी भी थाने में आके हंगामा कर दें स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दें कुछ भी शुरू कर सकते हैं तो वो खुद भी डरते थे. बट फिर भी वो हमारे साथ दे कोऑपरेटेड. हम उसको उठाने के लिए उसे घर से गए. तो जब हमारी टीम जा रही थी तो वो हमें रस्ते में आते हुए मिल गया. किसी और की कार में आ रहा था वो तो हमने हमारी टीम ने उसको देख लिया और पहचान लिया और उसको वहीं पर ही रोक लिया. उसको रस्ते में से ही लेके थाने आ गए. लेकिन जो 3-4 लोग उसके साथ कार में थे और उनको उसको तो जिप्सी में बैठा के ले 3-4 लोग थे उसको उसमें एकदम संगाम फैल गया उसको थाने ले गए. अब जब वो थाने में आया तो थाने में आने के बाद बहुत ज्यादा वहां पे पहले तो जब तक कोई नहीं आया था तब तो ही वॉज माइलोड डाउन. ठीक है हमने उसको काफी दबा भी दिया पुलिस ने भी दबा दिया. उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो ब्लैकमेल कर रहा था. सारी चीजें उसने एक्सेप्ट कर ली. ठीक है पहले तो उसने बोला कि जो कुछ भी पैसे उन्होंने मुझे दिए अपनी बिल से दिए. ठीक है उसमें कोई ब्लैकमेल इन्वॉल्व नहीं था बट धीरे धीरे मान गया. बट वहां पे क्या हुआ जैसी ही खबर फैली उस गांव में कि लोग इकट्ठे हो कि वहां पे उसको उठा के ले गए हैं धीरे धीरे दो दो चार चार पांच पांच लोग करके पुलिस स्टेशन में इकट्ठे होने लगे. और जैसे ही वो लोग इकट्ठे हुए ही जस्ट चेंज हिमसेल्फ थॉरली और वो एकदम से टर्न अराउंड होके ठीक है और पुलिस को भी अब्यूज करने लगा हमें भी अब्यूज करने लगा. और जब वहां पे कम से कम 100-150 लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए अब हम तुम्हें. और पुलिस वाले खुद घबरा गए थे ऑब्वियसली. हाँ बिकॉज छोटा सा थाना था कम लोग थे वहां पे वो खुद घबरा गए थे. वो कहते हैं कि सर ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा. ठीक है आपको जो है यहाँ से किसी भी तरीके से हमें निकलना पड़ेगा. ठीक है तो अब सारा थाना उन्होंने घेर रखा है. अब थाना सारा अच्छा और जो विलेज से निकलने का रास्ता था दैट वाज ओनली वन वे टू गेट आउट दैट विलेज देयर वाज नो अदर वे. और पूरा गांव भी उनका था एक तरीके से तो वहां पे जो रास्ता था उससे रास्ते को पार करना ही बड़ा मुश्किल था. मतलब अगर आप थाने से बाहर भी निकल जाओ किस तरीके से तो रास्ता कैसे पार करोगे. तो उस टाइम पे पुलिस ने ही हमें किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकाला. कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं करते वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स राइट बट ये जो है ये आपको कुछ भी हार्म पहुंचा सकते हैं. एंड सब लोग जो थे वो यू नो दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. ठीक है दे वर कैरिंग यू नो समथिंग और अदर इन देयर पॉकेट्स. कुछ शार्प ऑब्जेक्ट्स कैरी कर रहे थे कुछ स्टोन्स कैरी कर रहे थे कुछ कुछ कैरी कर रहे थे. तो उस टाइम पे बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था वहां पे. और हमें पुलिस स्टेशन के पीछे वाले गेट से किसी तरीके से बाहर निकाला. और हमें जो है एक हम सीक्रेट कार लेके गए जो उनको मालूम नहीं थी कि वो हमारी कार है. अच्छा। उस कार में हमें बिठाया और पुलिस की एक जिप्सी हमारे पीछे भेजी और हमारे को उस गांव से किस तरीके से बाहर निकाला. राइट सो व्हेन वी केम आउट ऑफ दैट विलेज तो हमें ऐसा लगा कि वाकई में आज जो है बिकॉज ये सिचुएशन बताने में इजी लगती है बट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट सिचुएशन फ्रॉम ऑल अराउंड
ठीक है, तो इट बिकम्स यू नो डिफिकल्ट एंड सच एन एब्यूसिव एनवायरमेंट जहां पे लोग शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पुलिस तक डर रही है उनसे, कि आपको पुलिस को डर लग रहा है हमें ही ना मार दे. हाँ, exactly. और वहां तो पे आप तो ऑल द मोर अनसेफ. यस, ऑल द मोर अनसेफ है. तो वहां से निकल के आप आना इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग टास्क. तो आप दोनों इकट्ठे थे उस वी, हाँ, वी बोथ वर टुगेदर. ओह गॉड यार. बट देन एंड यू नो थोड़ा सा और ज्यादा हो गया कि यू नो निधि का जो आधार कार्ड था इट फेल डाउन देयर ओनली. अरे सारी बॉलीवुड चीजें यहाँ पर इसी स्टोरी में क्यों नहीं. हमें ये भी लगा कि नाउ यू नो दे हैव द एड्रेस ऑल्सो, दे माइट हैव पिक्ड इट अप, उनमें से किसी ना किसी ने पिकअप कर ही लिया होगा. बट अच्छा हुआ, लाइक यू नो विद गॉड्स ग्रेस नथिंग हैपेंड, नथिंग एडवर्स हैपेंड. बट फिर हमने उस केस में सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को इन्वॉल्व करके और वहां पे पूरी टीम भेज के उन लोगों को अच्छी तरह सप्रेस करा दिया. और सप्रेस कराने के बाद वो उन लोगों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई दोबारा हमारे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने की. तो बिना किसी को पता लगे, बिना यू नो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी एक्सपोज हुए, हमने वो रूरल एरिया में भी उस ब्लैकमेल को हम फाइनली सबसाइड कर पाए. कूडोज यार, ऑनेस्टली सीरियसली. एंड इतना ज्यादा रिस्क. अच्छा, आप मेरे को ये भी याद है, मेरे को एक और स्टोरी बता रहे थे थोड़ी सी, आपने बताई थी कि आपके ऑफिस में भी. यस यस यस. तो देर वॉज वन इंस्टेंस जहाँ पे हमने कुछ एविडेंसेज ऐसे इकट्ठे कर लिए थे किसी केस में. ऐसे सिचुएशन आती रहती हैं. तो एक इस इवेंट के मुकाबले जो मैंने बताया दैट वॉज अ स्मॉल इवेंट, बट यस दैट वॉज एन इवेंट ऑल्सो. तो जिनके अगेंस्ट हमने एविडेंसेज इकट्ठे किए थे उनको कहीं से पता चल गया कि दैट वी हैव गॉट द एविडेंसेज, राइट. तो नाउ यू नो दीज पीपल वर गून्स, दे एंटर्ड इनटू द ऑफिस, दे शैटर्ड एवरीथिंग, सारे टेलीविजन तोड़ दिए, डेस्क तोड़ दिए, चेयर्स तोड़ दिए, शीशे के गेट तोड़ दिए, एंड देन दे टुक मी ऑन गन पॉइंट. और गन पॉइंट पे लेके देन यू नो दे वर आस्किंग फॉर द एविडेंसेस, यू नो दे टॉर्चर्ड अस फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 hours कंटिन्यूअसली. देन अ पुलिस कंप्लेंट वॉज फाइल्ड एंड एन FIR वॉज रजिस्टर्ड. देन दोज पीपल हु केम देयर वर अरेस्टेड ऑल्सो विल सेंड टू जेल ऑल्सो लेटर ऑन. तो ऐसी सिचुएशन में मेरे दिमाग में ये आता है कि ये चीजें आपके घर वालों को पता है कि ये सब हो रहा है. हाँ, मतलब क्योंकि मैं अपने आप को आपकी सिचुएशन में इमेजिन कर रही हूँ. और मैं एक तो उस रिस्की सिचुएशन से मैं इमेजिन करूँ कि मैं डर रही हूँ, दूसरी घर वाली रिस्की सिचुएशन से जिसमें जूते चप्पल पड़ने के छोड़ देंगे, छोड़ दे क्या करिए. उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि लाइक जब हमें अपने साथ बाउंसर्स रखने पड़े थे, यू नो आर्म्ड गनमेंस रखने पड़े थे. तो वी यूज्ड टू ट्रेवल अंडर सिक्योरिटी ऑल द टाइम्स, ठीक है. तो ऐसा इवेंट हुआ था. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, हाँ, ये जो प्रोफेशन है ना, इट्स लाइक अ पैशन, इट्स यू नो लाइक अ ड्रग एडिक्शन, राइट. वंस यू आर इनटू इट यू कांट, नो ड्रग एडिक्शन, यू गाइस ट्रैप है, ट्रैप है, सो यू जस्ट कांट गेट आउट ऑफ इट. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इतना थ्रिल आता है इस प्रोफेशन में. आपको लगता है दैट यू आर यू नो यू आर व्हेन यू कम टू दिस वर्ल्ड, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वही मोनोटोनस लाइफ है, वही सुबह ऑफिस जाते हैं, वही शाम को अपना काम करके वापस घर चले जाते हैं, ठीक है. लेकिन दुनिया के बारे में जानना और दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है, वो सिर्फ यही प्रोफेशन देता है. आप लोगों की साइकोलॉजी अच्छे तरीके से समझ पाते हो, ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम समझ पाते हो, आपको समझ में आता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो आम लोगों को मालूम नहीं होती वो चीजें हमें मालूम पड़ जाती है. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी आपको कोई पजल मिलती है, डिफिकल्ट सी पजल है, आप उसको सुदोकू जैसे होती है, राइट, आप उसको सॉल्व करते हो, जब आपको सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हो तो कितना खुश होते हो, ठीक है. और आप अपनी मेहनत से जब करते हो बिना किसी को इन्वॉल्व किए, तो यू यू नो यू गेट हैप्पियर अबाउट इट. सिमिलर इज द केस विद अस, कि वी ऑल्सो टेंड टू गेट वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली. हाँ हाँ, कि जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब तुमने क्रैक किया है वो केस, yes, जब हमने क्रैक किया है, बिल्कुल. तो हर दिन आप जो है ना एक यू नो एक सेटिस्फेक्शन, डन अ गुड जॉब टू समवन एंड यू हैव हेल्प समवन, ऑल्दो दैट हेल्प इज यू नो आफ्टर टेकिंग द पेमेंट, बट हेल्प इज अ हेल्प. आप पेमेंट लेने के बाद भी रिस्ट्रिक्टेड हेल्प कर सकते हो कि आप अपने आपको खतरे में ना डालो. बट हम लोग ऐसा नहीं करते. हम लोग जो है वी गो टू एनी एक्सटेंट टू केटर क्लाइंट्स वेल. Yesterday only we have done a case. I will show you the SMSs on my phone. Yeah. Right. Yeah. That person is so happy he was being blackmailed and he just has messaged me that I was on the verge of committing suicide. Oh my god. और आपने मेरी जिंदगी बचा ली. Oh god. And now he's just quite safe. Blackmailing के cases, at least हम 7 to 8 cases in a month
तो करते ही करते हैं. इट्स वेरी नाउ दीस डेज स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज बहुत ज्यादा हो गया ब्लैकमेलिंग केसेस में. और हमारे पास लोग जब आते हैं वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि अगर हमने सेव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दे विल कमिट अ सुसाइड बिकॉज उनके पास लास्ट ऑप्शन ही हम होते हैं उनके. सोसाइटी का इतना स्ट्रांग प्रेशर होता है कि उन्हें लगता है कि अब हमने हमारे पास ऑप्शन ही है एक्सेप्ट टू कमिट अ सुसाइड. तो मतलब फॉर देम हम एक तरीके से लाइफ सेवियर होते हैं और हमारे लिए ये एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारी वजह से बीइंग चार्जिंग प्रोफेशनल भी ट्रू बट एक किसी की लाइफ हमने सेव कर दिया, किसी की फैमिली हमने सेव कर लिया. ऑब्वियसली कूडोज टू द डिटेक्टिव्स ओवर हियर एंड ऑल्सो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं आप लोगों को, आई एम विद डिटेक्टिव नमन एंड डिटेक्टिव निधि फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. एंड यार आप भी तो क्वेश्चंस पूछो, पूछ रहे ना कोई क्वेश्चन बता दे. जितेंद्र पूछ रहे हैं हाउ टू बिकम अ डिटेक्टिव. जितेंद्र पूछ रहे हैं हाउ टू बिकम अ डिटेक्टिव बता दे. ओके सो टू बिकम अ डिटेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव यू नो इट्स वेरी स्ट्रांग एप्टीट्यूड and you know that aptitude test we have to take and we'll see whether you can become a detective or not. so aur wo test hum yahan pe nahi le sakte wo baad mein lena padega. ha aur koi aur nahi dekha maine acha dekh le ek baar guys if you want to ask questions detective se agar aapne questions puchne hai so please go ahead. till then I want to ask a question to you because I can only imagine mere dad even though wo professionally detective nahi hai but उनसे मैं कुछ नहीं छुपा सकती. उनको मेरी शक्ल देख के पता चल जाता है कि मैं कब झूठ बोल रही हूँ, मैं कब सच बोल रही हूँ, कब मैं किसी और का बहाना देके किसी और को मिलने जा रही हूँ, कब मैंने उनको बोला मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बात करी बट मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती थी. तो मेरे तो डैड एक नेचुरल डिटेक्टिव है ना देखा जाए तो यू टेल मी हाउ इज इट टू लिव विद अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव. आप तो झूठ बोल ही नहीं पाते होगे. मैं कोई झूठ नहीं बोल सकती. आप फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, इट्स लाइक ही नोज द आंसर बिफोर इवन आस्किंग द क्वेश्चन. ओह गॉड इट्स दैट या ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑलरेडी. मेरे को आंसर करने की एक्चुअली जरूरत नहीं होती है, वो बस फॉर्मेलिटी होती है. ओह गॉड यार तो ऐसे कोई एडवाइस देते हैं आपके पेरेंट्स आपको कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, देखो ऐसा केस आया, देखो ऐसा. कभी कभी सच्ची बताना बोर तो नहीं हो जाते इतना ज्यादा प्रीची 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 सुन सुन के, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मोर प्रोन टू ऑल द सिचुएशन है ना. तो जो केसेस आते हैं तो योर पेरेंट्स आर मोर प्रोन टू ऑल ऑफ देम. तो उस चक्कर में तो मेरे तो नहीं लगता कि मम्मा पापा मैं एक रेगुलर लाइफ जीती हूँ, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं जाननी है. ऐसी सिचुएशन आती है Nice. Because every new story you listen to, it's interesting. First of all, you get to know about the world, but then it's interesting on another level. Yeah. Yeah. Okay. So great. Because I have been meeting detectives. अब तो कितना time हो गया है हम regular मिलते जाते हैं. अगर हम स्टोरीज की जो बात करते हैं, जो हमने स्टोरीज अपने शो के लिए हमारे को इंटरेस्टिंग लगती है उसमें अगर हमारे को 2 घंटे लगते हैं तो हम 3 और घंटे इतनी सारी और स्टोरीज जानने में निकाल देते हैं बिकॉज इट्स एक्चुअली फन. इवन दो बहुत जगहों पर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, बड़ा कुछ होता है, बट आपकी लाइफ का थ्रिल मेरे को और राहुल को हमारे को पूरा मतलब बहुत अमेजिंग तरीके से आ गया है. सो गाइज एनी क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क एनीथिंग एनी क्वेश्चन, इफ नॉट तो मैं आपको ये चीज बता दू दैट मेरे शो पे कुड़ी करंट है पे एजेंट 983 चल रहा है जिसमें डिटेक्टिव इतनी अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज बता रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, कीप लिसनिंग टू इट. अभी तो बहुत सारा टाइम और है हमारे पास, एक भंडार है स्टोरीज का. मिर्ची 98.3 पे आइए और आकर ये स्टोरीज सुनिए. एंड मैं अभी डिटेक्टिव से बात करने वाली हूँ और गॉसिप और स्टोरीज और ट्रू लाइफ सिचुएशंस की बातें करने वाले हम. सो इफ एंड में एनी क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क पूछ लो. ये कोई आया है आई वॉन्ट टू बिकम प्लीज गाइड मी नमन सर. सेम. अच्छा ओ हो और कोई है क्वेश्चन? Whosoever wants to become a detective, call us. We'll guide you. Sleuths India Detectives. Let me tell you. हाँ जी दसो. एज. क्या एज? पॉपुलेशन में मर्ज होने के लिए आपको हर एज के लोग चाहिए होते हैं, राइट? समटाइम्स आपको किसी का फादर बन के जाना होता है, समटाइम्स किसी को किसी का भाई बन के जाना होता है, समटाइम्स किसी का बेटा बन के जाना होता है, समटाइम्स किसी का पटर्नल अंकल बन के जाना होता है. तो हर एज के लोग आर ऑलवेज वेलकम.
ओह गॉड. अच्छा दैट रिमाइंड्स मी, मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि जब आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होते हो ऐसी सिचुएशन में, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है आपके सामने वाला बंदा ब्लैकमेलर है या कुछ है, यू हैव टू डेवलप फ्रेंडशिप्स विद दोस पीपल एंड ऑल ऑल्सो, ऐसा भी होता sometimes, है yes, definitely. ये तो सबसे बड़ा रोल होता है डिटेक्टिव का, फ्रेंडशिप्स डेवलप करने के इन्फॉर्मेशन को निकालना. अब फ्रेंडशिप किससे डेवलप करनी है, किस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, दैट इज अ टैक्ट. आप किसी के ड्राइवर से आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ती है घर की, बिकॉज ड्राइवर्स आर द पीपल जो जिनके पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट यू नो द कैरियर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैमिली. हर आदमी अपनी गाड़ी में जब बैठता है तो सबसे ज्यादा बातें फोन पे करता है, और फोन पे जब बोलते हैं ड्राइवर चुपचाप बैठ के आराम से एक मशीन की तरह उस बात को सुन रहे होते हैं, राइट. सो ड्राइवर्स के पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है घर की, ठीक है. उसके बाद आपके मेड सर्वेंट्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपके घर की, आपके जो कॉलोनी के गार्ड्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी आपके ऑफिस के कलीग के पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपके नेबरहुड में इन्फॉर्मेशन होती है. तो आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालना है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. और एक बेस्ट डिटेक्टिव वो होता है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली फ्रेंडशिप करके उसी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ले, बिकॉज उससे ज्यादा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता. अच्छा किसी का मैंने अभी देखा, शायद क्वेश्चन आया था, ऐसे मिस हो रहे हैं. वन सेकेंड, अभी अभी आई जस्ट सॉ, व्हाट इज इट, गया. कभी कोई ऐसा मिला है जिसका जिसका कुत्ता घूम गया हो और आप yes. आपने ढूंढ लिया और लिटरली सच में अच्छा, पूछ रहा हूँ. मैं बताता हूँ. ओह गॉड, ठीक है. तो ये कुत्ते घूमने के केसेस, यू नो, हाँ, कैट्स के केसेस, डॉग्स के केसेस, और इवन रैट्स तक के केसेस हमारे पास. व्हाट? यस, रैट, व्हाइट रैट्स, व्हाइट रैट्स. सो एन एक्सपेंसिव रैट. तो ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, बट नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे केसेस में जो रिकवरीज होती हैं ऑल्दो कम होती हैं, बट एक केस में हमने एक कैट की रिकवरी करी थी. कैट की? यस. अरे यार, रैट की करे तो बात बताओ, रैट की हुई है कि नहीं हुई, मुझे ये बताओ. वी कांट गो इनसाइड द पाइप्स नाउ. नाइस वन. सो द डिटेक्टिव हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो, राइट? यू कैन से दैट वी डोंट हायर रैट्स एज अ डिटेक्टिव. या या, रियली नाइस. या, वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर. या तो फिर अच्छा, वो कैट वाली रिकवरी का अगर कोई स्टोरी कोई बतानी है, स्टोरी के पास हो गई रिकवरी? नहीं, देयर इज अ स्टोरी बट वो बहुत लंबा ज्यादा हो जाएगा. हाँ तो चलो अभी लंबी नहीं करते. बट और कोई क्वेश्चन पूछने, जैसे ही किसी ने पूछा कुत्ता घूम गया तो ओके, लेट मी सी. ऐसे मुझे लग रहा है कि और भी क्वेश्चंस कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं. लेट मी सी. Join. Oh God. What course to take in college that will help to become a detective? Everybody wants to become a detective. This is an army glory. कोई है ऐसा कोई particular course जो होता है? Okay, so you can choose to take you know forensics, mobile forensics, electronic forensics, or you know question documents, handwriting. You know you can become a handwriting expert. So forensic courses will help you a lot to become a detective. Okay. Yeah. Okay. So I think you got your answer. I want to become detective. Please guide. चलो ये तो guide हो गया. और देखते हैं कोई question है जो miss out हुए हुए हैं. What's the minimum age हो गया था? Well, guys, अगर आपको और questions पूछने हैं, so we can do one thing. आप मेरे Instagram handle पे आ सकते हो. मेरा Instagram handle है मिर्ची राबिया. RABIA है मेरे नाम की स्पेलिंग. एंड इफ देर इज एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क द डिटेक्टिव, यू कैन आस्क मी, एंड आई प्रॉमिस मैं डिटेक्टिव से पूछूंगी और आप तक वो आंसर जाएगा. सो मिर्ची राबिया पे भी आ जाओ. एंड स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स इज द नेम ऑफ द एजेंसी. डिटेक्टिव नमन, डिटेक्टिव निधि, एक बार बाय कर दो सब गाइज. सी या, बाय बाय. एंड बाकी ऐसे ही किस्से अगर आपको सुनने हैं, ऑब्वियसली मिर्ची 98.3 इवनिंग शो 5 to 9 आप लोगों के लिए आने वाले बहुत अमेजिंग अमेजिंग बड़े ढेर सारे ट्रू स्टोरीज. बाय बाय. मिर्ची राबिया इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. इफ यू गाइज वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस, गो अहेड. सी यू. सी यू एक बार लास्ट कर दो. बाय. सी यू.